नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजी और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज। आई नजर डालते हैं खबर की ओर। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के भाजपा नेता की तस्वीरें और वीडियो वायरल। कोरोना संक्रमण की बेकाबू होती रफ्तार के बीच जहां लोग सामूहिक कार्यक्रमों से परहेज कर रहे, कुछ सामाजिक संस्था आम जनमानस की भलाई में जुटी हुई है, लेकिन इस बीच हिसार से भाजपा के एक नेता की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। जी हां, हिसार से पूर्व जिला पार्षद अरुण दत्त शर्मा की यूक्रेन की दो महिला डांसरों के साथ फोटो वायरल हुई है। अब इस मामले पर खुद अरुण दत्त शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई दी है। दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन BDPO के बेटे की रिंग सेरेमनी के अवसर पर गत 1 मई को हिसार स्थित ब्लू वर्ल्ड पर्यटन स्थल पर हुआ था। इस प्रोग्राम के लिए यूक्रेन से दो डांसर बुलाई गई थी। कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित लोगों ने महिला डांसरों के साथ जमकर ठुमके लगाए थे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है। वीडियो सामने आने पर अरुण दत्त शर्मा ने फेसबुक के जरिए सफाई देते हुए कहा कि यह प्रोग्राम लॉकडाउन से पहले आयोजित किया गया था, जबकि लॉकडाउन हिसार में 30 अप्रैल की रात से ही लग गया था। कार्यक्रम के दौरान यहां उपस्थित हिसार द्वितीय ब्लॉक समिति के चेयरमैन हंसराज से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि यह प्रोग्राम BDPO भगवान दास के बेटे की रिंग सेरेमनी का था। कार्यक्रम 1 मई दोपहर ब्लूबर्ड पर्यटन स्थल पर आयोजित किया गया था और इसके लिए यूक्रेन की महिला डांसरों को बुलाया गया था। कार्यक्रम को लेकर ब्लूबर्ड पर्यटन स्थल के प्रबंधक ओम प्रकाश ने स्पष्टीकरण दिया है कि यह प्रोग्राम 1 मई का था और इसके लिए 30 लोगों की अनुमति प्रशासन द्वारा ली गई थी। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन लाइन न्यूज़। रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर टंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व AC क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क करें।